कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी का नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी मंच से गरजे, भाजपा से पूछे 5 सवाल। कांग्रेस प्रदेश मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह के खून में बताई मिलावट। मंच पर भावुक होकर रोए कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी के जीतू पटवारी ने पोंछे आंसू। टिकाऊ बिकाऊ और लोधी लोभी का उठा मुद्दा। दमोह लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी का नामांकन फॉर्म जमा करने दमोह पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पार्टी सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया अध्यक्ष व पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह के खून में मिलावट का उदाहरण देते हुए कहा कि 2018 विधानसभा चुनाव में यह कांग्रेस से विधायक के रूप में चुनकर आए थे, लेकिन चंद पैसों की खातिर बिक गए और भाजपा में पहुंच गए। ऐसे बिकाऊ प्रत्याशियों को भाजपा ने टिकट दिया है। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा में मोदी की गारंटियों पर सवाल उठाए और बीते 10 सालों में देश में विकास न करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान उन्होंने मंच से भाजपा से 5 सवाल भी पूछे, साथ ही जनता से कहा कि जब भी भाजपा उनके पास आए तो यही 5 सवाल उनके समक्ष रखें। इस दौरान टिकाऊ बिकाऊ लोधी लोभी का मुद्दा भी जमकर गरजा। कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी तरवर लोधी को टिकाऊ एवं लोधी नेता बताया, वहीं भाजपा प्रत्याशी को बिकाऊ एवं लोभी प्रत्याशी कहा। इस दौरान मंच पर कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी भावुक होकर रो पड़े। पीसीसी चीफ ने उनके आंसू पोंछे और सहानुभूति दी। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सभा के बाद शहर के मुख्य मार्गों से नामांकन रैली निकाली। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। भारतीय जनता पार्टी से प्रहलाद पटेल, आप यहाँ 20 साल से बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 साल से आपका सांसद है, ज्यादा से 50 साल से आप ही हो। 10 साल से बीजेपी की देश में सरकार है, दमों को क्या मिला? दमों को आपने एक, मैं अखबारों में पढ़ता था, सुनता था, बेलाताल सफाई अभियान हो गया होगा। अरे हो गया होगा। बेलात पटेल जी क्यों नहीं हुआ 10 साल में आपसे? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हुआ 10 साल में? पत्रकार बंधु, ये मेरे 5 सवाल है पूछना उनसे आप, और मैं दमों की जनता से भी आग्रह करता हूं, आप भी इस बात का विचार करना कि आपके बेटे पलायन जो करते हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं है? और प्रहलाद पटेल, जयंत मलैया, लाखन सिंह के बेटों को रोजगार क्यों मिल गया, सवाल है या नहीं है? जब आपके बेटों को, नेताओं के बेटों को रोजगार मिला है, तो यहां की जनता के बच्चों के रोजगार का क्या होगा? दूसरा सवाल, तीसरा, किसानों को आपने 2700 रुपए दाम की बात की थी, गेहूं के 3100 धान के बाद दाम की बात की थी, 3000 बहनों को देने की बात की थी, आप चुनाव में गए, आप मंत्री हो सरकार के। सवाल बनता है, बिना दिए वोट क्यों? आपको वोट क्यों देना चाहिए? अभी 3 महीने पहले आपने इस बात के वोट लिए और दिए नहीं, तो फिर वोट मिलना चाहिए क्या उनको? चौथा सवाल, जैसा मैंने कहा, एक है टिकाऊ, एक है बिकाऊ। प्रहलाद पटेल जी, सवाल है मेरा आपसे, एक है टिकाऊ, एक है बिकाऊ, एक है लोधी, एक है लोभी। पटेल साहब, आपको बताना पड़ेगा कि आप लोभी को चुनोगे कि लोधी को चुनोगे, आप टिकाऊ को चुनोगे कि बिकाऊ को चुनोगे, सवाल है। और ये सवाल आज पूरे दमोह संसदीय क्षेत्र की जनता भी पूछे। पांचवा सवाल, क्या कारण है कि इतने साल तक भारतीय जनता पार्टी यहां राज में है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, भाषण भी प्रहलाद पटेल और बीजेपी के लोग अच्छे अच्छे देते हैं, हमसे अच्छे देते हैं, बातें तो लच्छेदार ऐसी करेंगे कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। पर सवाल यह है कि रेलवे की एक भी सुविधा दमोह संसदीय क्षेत्र को आप क्यों नहीं दिलवा पाए? सही है कि गलत? अरे बोल के बताओ, सही है कि गलत? ये 5 सवाल है पत्रकार बंधु, ये उनसे पूछना। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि बहनों के साथ बीजेपी न्याय नहीं कर सकती। हम 5 न्याय के सिद्धांत पर, विचार पर, एक नया विजन के साथ कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाना चाहती,
युवाओं को रोजगार नहीं है तो सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।